अस्सलाम वालेकुम मिस्टर ज़िया हेयर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरिया टाउन कराची कार्निवल के बिल्कुल सामने। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपको 15 से 20 मिनट में पूरे बहरिया टाउन कराची का विज़िट करवाऊँगा। आप मेरे पीछे डबल कैबन बस भी देख रहे हैं, हम इस पर ट्रैवल करेंगे और बहरिया के मुख्तलिफ टूरिस्ट पॉइंट के सामने से गुजरते हुए पहुँचेंगे डांसी फाउंटेन पर। वहाँ से 15 मिनट का हमारा स्टे होगा, आपको डांसी फाउंटेन का भी नज़ारा करवाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल मिस्टर ज़िया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट, तो आओ मेरे नाल। अभी हम पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर गाड़ी करेंगे जी पार्क और इन बसेस के जरिए हम सफर करेंगे। ये टिकट पॉइंट है, यहाँ से टिकट लेते हैं। 200 पर सीट इसकी टिकट है। एक बस जाती है 9:05, फिर 6:00, फिर 7:00, फिर 8:00 और फिर 9:00। सबसे बेस्ट जो है वो 7:00 है, क्योंकि 7:00 आपको दिन का भी और रात का दोनों का व्यू मिलता है, और दूसरा आप डांसिंग फाउंटेन भी इसमें एंजॉय कर सकते हैं जी। तो हम टिकट्स दे चुके हैं, आप विजिटर्स का रश देख सकते हैं। तो हमारे चलने का टाइम हो चुका है, 7:00 हैं, अभी सफ़र भी स्टार्ट हो रहा है हमारा। अभी हम कार्निवल के सामने से अपना सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। बहरी इंतज़ामिया की तरफ से भी मुख्य जगह का अनाउंसमेंट होता रहेगा साथ साथ, और मैं भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इस वक्त हम मेन जिना एवेन्यू पर सफ़र कर रहे हैं। ये दोनों तरफ इसी तरह हाई राइज बिल्डिंग बनेगी इस मेन जिना एवेन्यू के, और अभी हम रुईस केयर को क्रॉस कर चुके हैं। अगर मेन जिना की थोड़ा सा बात करें तो ये 400 फुट का रोड है जो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर तक जाता है। इसी तरह अब हम जिस पूरे रोड पर सफ़र कर रहे हैं उसको जिना एवेन्यू का नाम दिया गया है, जो कि 45 किलोमीटर तक तबीयत हो चुका है। सॉरी 45 जिना एवेन्यू के दोनों तरफ इसी तरह हाई राइज बिल्डिंग होंगी। ये GM डोमिनियन, यहाँ पर हमारा ऑफिस भी है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर का। बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा नाम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर। इस साथ हमारा लेफ्ट साइड पे कैद विला एंड इकबाल विला। ये तो इसकी एक तरफ हमारे साथ चल रहा है जी कैद विला, इकबाल विलास, और ये सामने बहरिया के अपार्टमेंट्स। ये सामने थीम पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क एडवेंचर लैंड। हमारे राइट साइड पे बहरिया एडवेंचर लैंड, बहरिया एडवेंचर लैंड को बहरिया थीम पार्क के नाम से पुकारा जाता है। ये थीम पार्क के बिल्कुल सामने इस तरह का व्यू नज़र आता है, हाई राइज बिल्डिंग भी बन रही हैं। यहाँ पर कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर का भी थीम पार्क रेजिडेंशिया अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम इस वक्त मेन जिना एवेन्यू पर सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त लोकेशन है हमारा थीम पार्क, थीम पार्क के बिल्कुल सामने ये कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर का कंटेनर है, साइड ऑफिस है। ये है अली विला मलक रियाज हुसैन का घर, बहुत वसी रकबे पर बना, तकरीबन 54 एकड़ का एरिया है जहाँ पर मलक रियाज हुसैन का घर है। अली विला नाम है अली विला। जिना एवेन्यू पर सफ़र करते हुए ये व्यू नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये है
दुनिया की तीसरे नंबर पर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 8 लाख नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। और उसके साथ हमारे लेफ्ट साइड पे इकरा यूनिवर्सिटी जी, तो मस्जिद के बिल्कुल साथ इकरा यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी भी है इसके अंदर, बहुत बड़ी है, ऑपरेशनल है, यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं। और अभी हम अली ब्लॉक के बिल्कुल सामने से गुजर रहे हैं। ये अली ब्लॉक की एक एंट्रेंस यहाँ पर है, प्रिसेंट 12 कहते हैं इसे, मेन गेट से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर बहरी में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, ऑलमोस्ट 1000+ घर बन चुके हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। यहाँ पर 125 और 200 गज के प्लॉट्स हैं जहाँ पर प्राइवेट लोग घर बना रहे हैं। और अली ब्लॉक के बिल्कुल सामने प्रिसन 14 और 15 का एरिया है, ये एंट्रेंस थी उसकी। हमारे सामने खूबसूरत सा ब्रिज बनाया गया है जिसको रत्न ब्रिज का नाम दिया गया है, जो फेस टू और फेस थ्री को आपस में मिलाता है जी। तो लंदन ब्रिज है जी, ये है जी लंदन ब्रिज, जो कि फेस वन और फेस टू को आपस में मिलाता है, बड़ा खूबसूरत ब्रिज है। रात को इसकी लाइटिंग और भी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। आप लंदन ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो एक तरफ प्रिसेंट 27 के प्लॉट शुरू हो जाते हैं, यह है प्रिसेंट 28 डांसिंग फाउंटेन यहाँ पर है। और रास्ते में आधी दफ़ा हम यहाँ पर रुकेंगे, उस वक्त डांसिंग फाउंटेन भी ओपन हो चुका होगा। और इसके बिल्कुल सामने गोल्फ का एरिया, प्रिसेंट 20 गोल्फ का एरिया, आपको गोल्फ की लाइटें भी नज़र आ रही होंगी। ये हैं जी स्पोर्ट सिटी विलास, 350 के यार्ड के विलास हैं। उसके बिल्कुल साथ रफी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। अभी हम आईफल टावर के तरफ सफ़र कर रहे हैं, इसकी खूबसूरती ये है कि ये पहाड़ के ऊपर जा कर बनाया गया है, इसलिए वहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आता है। रफी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, हमारे राइट साइड पे रफी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। टावर पहुंच चुके हैं, इस वक्त हमारे राइट साइड पे बैरिया एफिल टावर, रोशनियों से जगमगाता हुआ। अभी जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होगा ये और खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाए। इसकी अगर मैं टिकट प्राइस की बात करूं तो आप इसमें 200 का टिकट लेके इंटर हो सकते हैं, अगर आपने ऊपर जाना है लिफ्ट के जरिए ऊपर से जाके आपने नज़ारा करना है तो 1000 रुपये का है टिकट है ऊपर लिफ्ट पे जाने के लिए। अभी हम आईफिल टावर के दूसरी तरफ अगर देखें तो इस तरह का व्यू नज़र आता है, फुल हाइटेड एरिया, और सामने आपको रफी क्रिकेट स्टेडियम भी नज़र आ रहा होगा। रफी क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल तर्ज का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर का काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है और अभी इसके ऊपर स्टेयर्स और फिनिशिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये व्यू यहाँ से आईफिल टावर से नज़र आता है। ये सामने स्पोर्ट्स डे के विलाज हैं, प्रिसेंट 31 के विलाज हैं। तो अभी हम यहाँ से होते हुए वापस जिना एवेन्यू पर ट्रैवल करेंगे और डांसिंग फाउंटेन पर अभी हमारा स्टॉप होगा, उसके बाद हम गोल्फ में जाएंगे जी। तो अभी हम आईफिल टावर से दोबारा मेन जिना एवेन्यू पर आ चुके हैं। बस के अंदर भी एक एलसीडी लगाई गई है, आप यहाँ पर भी साथ साथ व्यूज चलते रहते हैं, आप यहाँ पर भी नज़ारा कर सकते हैं। बैरिया डांसिंग फाउंटेन शाम 7:30 से लेकर 9:30 तक शो शुरू किए गए हैं। यहाँ हमारा 15 मिनट का ब्रेक होगा, 15 मिनट के बाद हम दोबारा यहाँ से रवाना होंगे। टाइम का खास ख्याल रखिएगा। ये मेरी सीट थी
फ्रंट पे हमने ली थी ताकि आपको अच्छे से व्यू नज़र दिखा सकूं। और अभी हम निकलते हैं बाहर और डांसिंग फाउंटेन इंजॉय करते हैं। जी तो अगर आप डांसिंग फाउंटेन आते हैं तो आपको इस तरह के रेस्टोरेंट भी यहाँ पर मिलते हैं। कैसे हैं प्रियस? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? जुहेब नाम है मेरा। तो यहाँ पर कब से ये ऑपरेशनल? मेरा सितंबर से ही ऑपरेशनल है लास्ट, और संडे को जो है तमाम कराची की आवाम यहाँ पर आती है। और मेरे यहाँ पे जो मशहूर चीज़ें हैं वो फ्राइज है, स्टेक्स है, ग्रिल बर्गर है, और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। इसका नाम क्या था? जिम्स नाम है, जिम्स किचन के नाम से है, जिम्स ZIMS। आपका क्या नाम? जुहेब। थैंक यू सो मच सर। जी तो आप नज़ारा चेक करें, फाउंटेन ओपन हो चुके हैं। अंदर तो पानी है लेकिन बाहर भी पानी पानी हो गया। हवा इस तरफ की है इसलिए इस तरफ आ रहा। जिंदाबाद। इस तरह पीछे म्यूजिक चल रहा है और साथ साथ आप वाटर डांस देख सकते हैं। जी तो अभी 15 मिनट का शो होता है, अभी क्लोज हो चुका है, 15 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर विज़िट इतना ही था, अभी गाड़ी की तरफ चलते हैं और दूसरा सफ़र स्टार्ट करते हैं। मैं पहले यहाँ पर नीचे बैठा था, अभी मैं बैठूँगा ऊपर और ऊपर से आपको व्यू दिखाऊँगा। जी तो ऊपर से इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। डांसिंग फाउंटेन से हम अभी वापस ट्रैवल करेंगे, फिर मेन जिन एवेन्यू पर, फिर हम गोल्फ के अंदर से गुजरेंगे। आप रश देख सकते हैं। इधर देखो। जी तो इस वक्त हम गोल्फ में इंटर हो रहे हैं। हमारे सामने बैरिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत प्रीसेंट बैरिया गोल्फ सिटी। बैरिया गोल्फ में 500, 1000 और 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। जी तो अभी हम बैरिया गोल्फ से होते हुए 11A के विलास आप देख सकते हैं। जी तो अभी यहाँ पर अली स्क्वायर से हम गुजरेंगे, राउंड अबाउट है, आप देख भी सकते हैं अली स्क्वायर। साइज़ की बात करें तो 1100 स्क्वायर फीट के ये अपार्टमेंट हैं, 2-बेड अपार्टमेंट, बहरिया हाइट्स। जी तो ये है अशर फाउंटेन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल विजिटिंग पॉइंट है। जी हाँ तो अभी हम अशर फाउंटेन से होते हुए बी की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो फ्लैग पोल है हमारे सामने, मिडवे कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर आपको
तमाम ब्रांड्स मिलेंगे, खाने के हो गए, कपड़े के रिलेटेड हो गए, और स्टेट्स भी हैं, रियल स्टेट्स। बिल्कुल सेंटर में है, इसके इर्द गिर्द हाई राइज कमर्शियल हैं। ये अभी स्टार्ट हो गया प्रिसन 4 का कमर्शियल, लिबर्टी कमर्शियल। ये है जी लिबर्टी रेजिडेंशिया कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, ना सिर्फ कैलिफोर्निया का बल्कि बहरिया का सबसे पहले डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट लिबर्टी रेजिडेंशिया। इसमें 1 बेड के अपार्टमेंट थे जी। तो अभी हम मलक स्क्वायर पर पहुँच चुके हैं। ये है जी मलक स्क्वायर का एरिया। यहाँ से आप टर्न लेके हेड ऑफिस मिडवे बी और कमर्शियल हब की तरफ जाते हैं। तो इसके बिल्कुल सामने टेक मॉल के नाम से एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये कैलिफोर्निया का कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें मोबाइल शॉप्स हैं, फूड कोर्ट है और कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। अगर आप इसमें बुकिंग करवाना चाहते हैं तो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम मिडवे बी, मिडवे ए और मलक स्क्वायर से होते हुए वापस फिर जिना एवेन्यू पर पहुँचे। आपको सामने जो व्यू नज़र आ रहा है ये है थीम पार्क एडवेंचरलैंड। यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे और संडे वाले दिन ये ओपन होता है। अगर इसकी टिकट की बात करूँ तो 3,000 बड़ों की है टिकट और बच्चों की 2,000 इसकी टिकट प्राइस है। एडवेंचरलैंड में आपको मैकडोनल्ड्स और KFC भी मिलता है। अभी हम हमारे वापसी का सफ़र जारी है, ना एवेन्यू पर सफ़र कर रहे हैं। आपको मेरे सामने डोमिनियन और GM की बिल्डिंग भी नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर ग्राउंड पे कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर का ऑफिस है। बैरिया में सेल परचेज के हवाले से भी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैं नीचे नंबर भी मेंशन कर दूंगा। अभी हमारा यहाँ पर सफ़र एहतमाम होने वाला है। ये खूबसूरत बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, AQ मॉल एंड रेजिडेंसिया और साल डोमिनियन द ग्रैंड मॉल है। बहुत स्पीड से कंस्ट्रक्शन हो रही है, पिछले 2 साल में रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन हुई है बैरिया डॉन कराची में। लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो इस वक्त चूँकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो जिन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था वो आज इस वक्त अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। अगर आप भी बहरिया में अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड या कमर्शियल शॉप चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पे, इजी इंस्टॉलमेंट पे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ प्लॉट्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि इस वक्त किस में इन्वेस्ट करनी चाहिए तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट या शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो बिल्ड प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। ये है जी बहरिया का मेन गेट। अभी हम अपने वापस मंजिल पर पहुँच चुके हैं। अब आपका और हमारा सफर खत्म हुआ, अल्लाह पाक आप सब कामयाब ना से रहे। बैरिया डबल टिकट के लिए दुआ दो रहिएगा, खुदा हाफिज़। जी हाँ, तो अनाउंसमेंट हो चुकी है कि यहाँ पर सफ़र अहतमाम हुआ। जी हाँ, तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, आपने बहरिया का सफ़र इंजॉय किया। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।